क्या मंदिर लहर से बड़ी हो गई मोदी की लहर, और दूसरी बड़ी बात ये क्या मोदी का नाम भारी पड़ गया जाति धर्म के सवाल पर। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप चर्चा करनी जरूरी है। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर भी होंगे, केंद्रीय मंत्री, उनके साथ भी बात करेंगे। देश में 2014 की मोदी लहर बरकरार है, ब्रांड मोदी नंबर वन है, इस बात पर आज मुहर लग गई है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं, इस बात पर भी आज मुहर लग गई है। और देश के तकरीबन 50% आबादी पर आज के इस चुनाव के बाद बीजेपी का राज हो गया है। राज्यसभा में अब मोदी सरकार की परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी और सरकार को ये बहाना बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा कि राज्यसभा में हमारे पास ताकत कमजोर है। मोदी अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनवा पाएंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम था, आसानी से अब वो और कड़े फैसले ले पाएंगे और 2019 की चुनावी लड़ाई उनके लिए आसान हो जाएगी। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, ने इस संदर्भ में ट्वीट भी किया है। नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण के राज्यों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए बीजेपी का रास्ता थोड़ा और साफ हो जाएगा आज के इस नतीजे के बाद। 1991 के बाद यूपी में पहली बार बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है, 221 सीट थी 1991 में और अब आज 320 के पार जा रही है। मोदी लहर 1991 में जो मंदिर आंदोलन की लहर थी उससे भी ज्यादा बड़ी लहर साबित हुई है। यूपी की जीत से मोदी का कद बढ़ा हुआ है, इसमें कोई संशय अब नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ अहम बात यह भी है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर और एक नेता के तौर पर और एक स्टार प्रचारक के तौर पर मोदी ने अपना लोहा फिर से मनवा लिया और देश में मोदी की लहर अब भी कायम है। नोटबंदी पर देश मोदी के साथ है, इस पर भी इस बात से मोहर लग जाती है। और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना विपक्ष को भारी पड़ा है, ये भी इससे तय हो जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव का रास्ता बीजेपी के लिए इससे आसान हो जाता है। और मायावती का करिश्मा खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, इस बात की भी तस्दीक इससे हो जाती है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस का भरोसा कमजोर होगा और समाजवादी पार्टी में अखिलेश को लेकर भी निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे, भले ही वो पूरे तौर पर नेता की तरह स्थापित हो गए थे। अब आप यहां पर रुझान देखिए और हम प्रकाश जावड़ेकर जी से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर बात करेंगे। प्रकाश जी, सबसे पहले अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से, बधाई आपको आज की इस शानदार जीत के लिए। जी बिल्कुल, विपक्ष सवाल उठा रहा है जी कि ये जीत जो है ये गलत तरीके से हासिल की गई जीत है, आप इसे क्या कहते हैं? उनकी चिंता है वाकई या फ्रस्ट्रेशन है? ये पूरा फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने भी कोई कमेंट नहीं की उस पर, क्योंकि निराशा जब घेर लेती है तो कभी कभी विवेक खो देती है। मैं मानता हूं कि उनको बड़े दिल से विजय को विजय कहना चाहिए, जनता का मैंडेट है, करोड़ों लोगों का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं। और मूल मुद्दा यह है कि सभी मजहब और सभी जातियों ने, जाति और मजहब के आधार पर नहीं, काम के आधार पर विकास के लिए वोट किया है। ये हमें सबक है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव का, उत्तराखंड का और सभी चुनावों का। लोगों ने जितना भी मोदी जी पर प्रहार किए उतना रिबाउंड होके वो लोग हमारे साथ आए, क्योंकि एक फर्क समझने की ज़रूरत है। 2014 में लोगों ने आशा के साथ मोदी जी को वोट किया था क्योंकि तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन अब जो वोट हुआ है वो विश्वास के साथ हुआ है, क्योंकि पिछले 3 साल से लगभग जिस तरह से सरकार ने काम करके दिखाया है तो लोगों को सुशासन क्या होता है ये समझ में आया, और इसलिए ऐसा ही सुशासन वो उत्तर प्रदेश में चाहते। लूट और भ्रष्टाचार की सरकार वो खत्म करना चाहते, कानून व्यवस्था अच्छी बनाना चाहते, इसके लिए वोट है। क्योंकि गरीब को भी विकास की आकांक्षा है, एस्पिरेशन कभी केवल मध्यम वर्ग को नहीं होते, एस्पिरेशन गरीब की भी है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा रोजगार मिले, ये कल्पना है लोगों की, और उसके लिए उन्होंने भरसक वोटिंग किया है और हम भी उनके विश्वास को पर खरे उतरेंगे। लेकिन मायावती कह रही हैं कि दलित और मुसलमान इतनी तादाद में बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकता, ये अपने आप में ही शक पैदा करता। अरे तो फिर मायावती जी को भी तो 21% वोट मिले हैं, वो कैसे मिले फिर? तो ऐसा नहीं होता ना, जितना उनको लोकसभा में भी 19% वोट मिले थे, तो वो बड़े नहीं, हम बड़े हैं तो हम क्या करें? अब इसको तो कोई उत्तर नहीं है, ये समझने की बात है। आज मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि आज हारे हैं, लेकिन
मुद्दा यह है कि जनता ने जो जीत दी है उसका अर्थ देश को और मीडिया को भी समझने की जरूरत है। नोटबंदी को समझो, नोटबंदी को आपकी चैनल नहीं लेकिन अनेक चैनल ने ऐसा दिखाया कि जैसे लोग बड़े परेशान हैं और लोग बड़े दुखी हैं और लोग इसके खिलाफ हैं और मुखालफत होगी और लगभग क्रांति होने के कगार पर देश है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि लोग नोटबंदी के फैसले को एक बेहद बड़ी बृहत लड़ाई जो है भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ वैसा मानते थे और उस लड़ाई में वो भी मन से साथ थे क्योंकि ये पहली दफ़ा कोई सीरियसली भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहा है तो लोगों ने हमारा साथ दिया। सर्जिकल स्ट्राइक तो सेना का ऐसा महाकाय पराक्रम था, हमने कभी उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया लेकिन इन्होंने चुनावी मुद्दा सबूत पूछकर बनाया और इसलिए लोगों ने उनको धुतकार किया। और ऐसे सेना के जाबाज सेना पर अगर कोई सवाल या निशान पैदा करता है तो लोग नहीं समझते कि करेक्ट है और इसलिए ये सब सबक है, लेने वाले को है, न लेने वाले को अपनी मर्जी का मालिक होना। क्या इसको ऐसे समझें फिर लोकतंत्र है सर, क्या इसको ऐसे समझें कि नोटबंदी पर गोवा पूरी तरह आपके समर्थन में नहीं था और पंजाब तो बिल्कुल नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। यही तो आपका गड़बड़ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि चुनाव मूल लोगों ने विकास के लिए वोट डाला है। पंजाब में एक विशेष परिस्थिति थी जहां बीजेपी जूनियर पार्टनर था, हम लीड में नहीं थे। गोवा में भी सरकार हमारी बनेगी, मणिपुर में भी सरकार पहली दफ़ा हमारी बनेगी, तो आप चिंता मत करिए। तो इसलिए वहाँ छोटा 30,000 का चुनाव क्षेत्र है, डिवीजन ज़्यादा होती है तो 200-300 वोट से, 15 वोट से, 50 वोट से भी फर्क पड़ता है और इसलिए हमें समझना चाहिए कि लोगों ने गोवा में भी हमारा समर्थन पहले भी था, आज भी है, लेकिन हर चुनाव एक नया चुनाव होता है तो इसलिए कुछ सीटें हारते हो आप, कुछ नई सीटें पाते हो, तो ये चलता है। लोग कह रहे हैं कि आप गलत तरह की राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती जिसमें विपक्ष बचे ही ना, सरकार पे कोई अंकुश ही ना रहे उत्तर प्रदेश में जैसी हालत हो जाएगी। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा भाई, लोग देते हैं तब। अभी तो मुझे तर्क सुन के, एक कांग्रेस नेता का मैं तर्क सुन रहा था कि बीजेपी को 40-44% वोट मिले यानी 56% लोग विरोध में है, तो कांग्रेस को कब मिले थे 51%? कांग्रेस सारी सत्ता ही 40% पे या 35% पे करती थी देश भर में। हाँ, तो ये कोई मुद्दा थोड़ा ही ना है, हम क्या काम कर रहे हैं ये मुद्दा है। लोकतंत्र का जो भी नमूना हमने स्वीकार किया है उसमें हम जीते हैं तो जीत की आवाज कट रही है सर आपकी। आज तक हमने ये किया है? नहीं, आज तक हमने किया नहीं। आवाज कट रही है तो आपको देखना चाहिए, आगे, मुझे आगे थोड़ा देखना चाहिए। आ गई, आ गई, सुन रहे हैं आप, बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये निश्चित रूप से एक विकास के लिए देश के वोटर ने अपनी वोटिंग के तरीका बदल दिया है। पहले वो जात के आधार पर करता था, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में उसको रस था क्योंकि उसको सुरक्षा महसूस होती थी। अब वो उससे बाहर आ गया, अब उसको सुरक्षा तो लगती ही है, उसको लगता है कि अब विकास चाहिए मुझे। उसकी मांग बढ़ी है और उस मांग बढ़ी है क्योंकि मोदी सरकार के काम से उनको आशा हुई, विश्वास हुआ कि अब हमारे यहाँ भी हो सकता है। और इसलिए मणिपुर जैसे, अब देखो पूर्वोत्तर भारत में आसाम हमने जीता, अरुणाचल में हमारी सरकार आई, नागालैंड में हमारी सरकार है, सिक्किम में मित्र सरकार है, मणिपुर में भी हम सरकार बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देश बदल रहा है, मतदाता बदल रहा है, वो तरक्की के लिए वोटिंग कर रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। हमारा मिशन भी क्या है? गरीबी को, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना, गरीबों को गरीबी से बाहर लाना और एक देश को समृद्ध विकास देना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट, सब जगह विकास हो और चहुमुखी विकास के तरफ देश बढ़े, देश का स्थान दुनिया के स्तर में बहुत ऊंचा हो, यह हमारा मिशन है। एंड आवर मिशन इज विदाउट कमीशन, ये फर्क है बाकी राज्यों में और हमारे राज्यों में। लेकिन आपके ऊपर अब दबाव ज्यादा होगा जनता की उम्मीदों का, एक उसने इतना बड़ा मैंडेट दिया है आपको, दो अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि राज्यसभा में हम कमजोर हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपकी ताकत बढ़ जाएगी वहां भी। अब नहीं,
नहीं बढ़ेगी, मैंने तुरंत ऐसी नहीं बढ़ती, कल नहीं बढ़ती, वो तो अब 2018 में जब चुनाव होंगे तब थोड़े थोड़े बदलते जाएंगे, लेकिन इस रिजल्ट का बहुत एक नैतिक परिणाम होता है। अब वो जो मेंबर है उनका तुरंत राज्यसभा की मेंबरशिप 18 में जिनकी खत्म होगी होगी, अभी नहीं खत्म होगी, तो वो रहेंगे तो वो करेंगे, आप समझ लेंगे तो साथ देंगे। देश के विकास के लिए सबका साथ हमें चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि केवल पार्टी नहीं, देश बड़ा है और इसलिए देश के विकास के लिए सबको इकट्ठा काम करना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सभी राज्य किसी भी पार्टी का हो, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप चाहें तो शकील अहमद साहब हमारे साथ हैं अभी मौजूद, उनसे हम सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वो लगातार इस बात पर हैं कि मायावती अगर कह रही हैं तो कुछ तो होगा। वो कह रहे हैं कि हमने अभी जांच नहीं की है, हम अपने आधार पर नहीं कह सकते, लेकिन मायावती कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हूँ। आप चाहें तो उनसे मैं एक कॉमेंट ले सकता हूँ। नहीं, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं उस पर बहस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि निराशा से जो कोई वक्तव्य होता है, कांग्रेस दिल पर हाथ रख के कहे कि पंजाब में वो जीते, वहां ईवीएम की गड़बड़ी थी क्या? वो देश भर में अभी तक जीतते थे तब ईवीएम की गड़बड़ी थी क्या? 2014 में केंद्र में उनका सरकार थी, उनके मित्र की सरकार वहां उत्तर प्रदेश में थी, तब हम जीत गए 73 सीटें, क्या वो ईवीएम की गड़बड़ी होती है क्या? ये कुतर्क है, अपने इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कहीं भी दुनिया में, हमें एक्सपर्ट करके बुलाते हैं और ये शकील साहब को भी मालूम है, तो इसलिए वो कोई बहस का मुद्दा हम बनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि देश की जनता के जनादेश का ये बहुत अपमान होगा। शकील साहब बोलिए। आपसे, आपने तो उनसे प्रवचन दिलवा दिया जावड़ेकर जी से, हम दोनों प्रवक्ता हुआ करते थे, क्योंकि हम उनसे पहले ये तय करके समय लाए थे सर कि वो बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप बहस में पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए। बात दी थी मैंने, वो याद दिलाया है, मैंने 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 ये नहीं कहा कि ये जो ईवीएम का आरोप है मायावती जी का ये सही है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा है, वहां के लोग बताएंगे सही या गलत है, लेकिन आपने तो पूरा प्रवचन करा दिया उनसे। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, मैंने तो बीजेपी के नेता का बयान, आपका प्रवचन कराता तो लोग भाग जाते, शुरू के 10 मिनट देख लिया हमने, प्रवक्ता थे, लेकिन इन्होंने नहीं कहा था, इन्होंने नहीं कहा था, जावड़ेकर जी ने नहीं कहा था, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा था, जिनके सामने मैंने ये बात कही कि 2009 में जब हम जीते तो उन्होंने ही कहा कि उन्होंने तो कहा ना सर आपके सामने भी कि हाँ मैंने कहा था, अब मैंने सुधार कर लिया, अब बोलिए आगे बढ़ते हैं कैसे। आप अभी भी वही के वही अटके हैं सर, आधा घंटा बीत गया, पंजाब में कांग्रेस जीती है ये बात कम से कम जावड़ेकर जी ने स्वीकार की। आप तो चर्चा भी बताइए ना सर, पंजाब में आप ईवीएम गड़बड़ करके ले गए थे क्या? हम अभी भी गोवा में आ गए हैं, पंजाब में ईवीएम गड़बड़ की थी क्या सर? मणिपुर में आ गए हैं, ये बात कम से कम झावड़ेकर जी, पंजाब में ईवीएम गड़बड़ की क्या, ये तो बता दीजिए। आप तो कोई चर्चा ही नहीं, पंजाब में ईवीएम गड़बड़ की थी क्या? पंजाब में भाजपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, भाजपा और अकाली दल वाले तीसरे नंबर पर, आप खुद पांचवें छठे नंबर पर जा रहे हैं अपने दल से नीचे, उसकी चिंता छोड़ के शकील अहमद इसमें खुश हो रहे हैं कि भाजपा तीसरे नंबर पे आ गई है निलंजन। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की दुर्गति की बड़ी वजह उसके नेताओं की ये सोच और ये तौर तरीके हैं, उत्तर प्रदेश जो नेगेटिविटी है? मुझे लगता है कि जावड़ेकर जी को बहुत बधाई देनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ बहस का स्तर करने वाले, अगर कांग्रेस का ये स्तर रहेगा तो कांग्रेस काफी वक्त तक, कई साल बीत जाएंगे जिसके पहले दोबारा चैलेंज पोज कर सकती है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं, कि मायावती के साथ हैं भी लेकिन नहीं भी हैं। जो सवाल जो उठाया जावड़ेकर जी ने वो बिल्कुल सही बात है कि अगर ईवीएम मशीन यूपी में और उत्तराखंड में खराब निकले तो फिर पंजाब में कैसे ठीक हो गए या गोवा में थोड़े से कैसे ठीक हो गए। ये जब से ईवीएम आया तब से इसको बार बार हर पार्टी उछालती है और मेरे ख्याल से ये मुद्दा जो है ये सेटल हो गया है, अब इस पर दोबारा से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक सवाल है जावड़ेकर जी से जो समझना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं कोटा राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी कहें, हमारे देश में 15% 16% के करीब मुसलमान या अल्पसंख्यक पॉपुलेशन है। लोकसभा में आपके पार्टी की तरफ से या उत्तर प्रदेश में और अलग अलग स्टेट्स में आप लोग
मुसलमान कम्युनिटी को कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आगे चल के कोई एक ऐसी व्यवस्था होगी जब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की तरफ से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात फिर आगे कैसे बढ़ेगी, और अगर उनकी डिमांड जाएंगे तो उसको आप लोग किस तरह से टैकल करेंगे? प्रकाश जी, पहले तो मैं मणिपुर का इंचार्ज था, मणिपुर में 3 मुसलमान और 6 क्रिश्चियन हमारे कैंडिडेट है, हमारे 12 कैंडिडेट गोवा में क्रिश्चियन थे है, और हमारे 6 विधायक क्रिश्चियन है नागालैंड में। तो हम कभी जात और मजहब के आधार पर नहीं, वहाँ की परिस्थिति के आधार पर चयन करते हैं, और इसलिए हमारे आज MJ अकबर जी है, नकवी जी है, और शहनवाज बहुत थोड़े वोट से हमारे हारे हैं, नजमा जी आज राज्यपाल है, तो बहुत है, लेकिन हम मज़हब के और जाति के नज़र से नहीं, हम पूरे देशवासी एक है, सबका अधिकार समान है, ये समझकर ही काम करते हैं, और सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है। गैस देते समय, जैसे लैपटॉप देते समय उन्होंने मज़हब पूछा था, हम किसी का मज़हब नहीं पूछते, सबको देते हैं, और वही होगा कि सबको न्याय मिलेगा, इसीलिए तो लोगों ने वोट दिया। न्याय देने वाली बात अलग है, लेकिन सबको राजनीति का हिस्सा भी होना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मणिपुर में कुछ अल्पसंख्यकों को आप लोगों ने टिकट दिए, गोवा में भी दिए, नागालैंड में भी दिए, लेकिन सवाल ये उठता कि उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जो है, जो पूरा पार्टीशन का जो दौर था उसके बीच में से एक बहुत ही कम्युनली एक सेंसिटिव स्टेट रहा है, जहाँ काफ़ी बड़ा तबका, करीब 18% के करीब मुसलमान वहाँ का पॉपुलेशन है, तो आज नहीं तो कल कभी एक जाके उनकी तरफ से एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग हो सकती है, तो तब आप लोग किस तरह से उसको टैकल करना चाहेंगे? मैं कोटा राजनीति के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, मैंने पहले ही आपको क्लैरिफाई किया। चिंता मत करिए, यस, हम सबको साथ लेंगे और सबका विकास करेंगे, यही हमारा काम है, और आप जैसे मंत्रिमंडल बनेगा, बाकी भी कमिटियां बनेगी, आप देखते जाएंगे कि सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। शुक्रिया प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील अहमद साहब, राकेश जी, आप लास्ट कमेंट आपसे एक लेना चाहता हूँ। इन्होंने 3-4 बार कहा मैं कोटा राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ। हम कोटा राजनीति के पे सवाल उठाते हैं कि आपने क्यों नहीं की, आपने की और उसका रिजल्ट सामने। नहीं, एक मायावती ने बता के टिकट बांटे कि इतने मुसलमान, इतने दलित, इतने OBC, इतने SC, इतने ST, इतने कैंडिडेट को मैं टिकट दे रही हूँ, लेकिन नतीजा ये हुआ। देखिए, एक बात मैं बता दूँ, अभी बात जो आई थी उसके ऊपर के बहन जी ने EVM पर सवाल उठाए, 2012 में जब अखिलेश सरकार आई थी, बसपा दूसरे नंबर पर आई, बहन जी ने कभी सवाल नहीं उठाया। अच्छा, बसपा दूसरे या पहले पे आ जाएंगे तो सवाल नहीं होगा। दूसरे 2014 में बहुजन समाज पार्टी का 2007 के पहले नंबर पे आई थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एक भी MP जीत के नहीं आया, बहन जी ने कोई सवाल नहीं उठाया। अब जो रिजल्ट जो आए हैं उनमें कई ऐसी सीटें हैं जिनमें जो अप्रत्याशित परिणाम है, और जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। चलिए, वैसे अपने एक कहावत है, आप अच्छे समझते होंगे। जहां तक कोटा की बात कर रहा हूँ, BJP की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में 22% दलित वोट है। अगर बात जाटों की करें तो BJP ने सिर्फ एक टिकट दिया है, उसके बाद भी जीत तो रहे ना सर, 324 सीट। आप ये कोटे की बात, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को अपनी राजनीति पे पुनर्विचार करना चाहिए, अपनी सोशल इंजीनियरिंग पे पुनर्विचार करना चाहिए?